हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो क्रैकर टेस्टिंग पार्ट 3 है। तो अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो लिंक मैंने नीचे दे रखी है, जाके देख लीजिए। और स्टैश भी नहीं देखा तो स्टैश की लिंक नीचे है, आप स्टैश भी जाके देख लीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अभी तक अपने छोटे भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। काफी बढ़िया बढ़िया टेस्टिंग आगे आने वाली है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ कौन कौन से हमारे पास क्रैकर्स है। तो शुरुआत करते हैं श्री कृष्णा की बिजली से। बड़ी वाली बिजली है, एक लड़ आती है ये 100 क्रैकर्स की, इतनी सी, काफी बड़ा साइज है इस लड़ी का। इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं आज की वीडियो में। उसके बाद में हमारे पास है वनिता की गुडली। तो कुछ एक डब्बे में 3 पैकेट आते हैं, 3 पीस आते हैं ऐसे कुछ छोटे छोटे। तो जला के देखते हैं ये क्या होता है, चटपट निकलती है क्या होता है, हमें भी नहीं पता, तो इसकी भी टेस्टिंग करने वाले हैं। उसके बाद में हमारे पास है आलू बम, जो है ये फेंकने वाले बम आते हैं, काफी अलग ही बम आए हैं, छोटी सी डब्बी के अंदर आप देख सकते हो, छोटे छोटे पीस है ब्राउन कलर के, इनकी भी टेस्टिंग करने वाले हैं। उसके बाद में हमारे पास है, कौन सी कंपनी की है ये, चटपट है, बैडविल की चटपट, जो काफी बढ़िया है, आप देख सकते हो छोटा सा साइज है इसका, ठीक ठाक साइज है बैडविल की चटपट, इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं। उसके बाद में हमारे पास है मुर्गा का ऑटोमेटिक रॉकेट। तो कुछ ये रॉकेट तो इस पर लिखा हुआ है, लेकिन ये स्काई शॉट 7 शॉट है, ये ऊपर आसमान में जाके 7 बार इसमें क्रैकलिंग होगी, काफी बढ़िया होता है ये, दुकान वाले ने हमें बोला है। तो इसकी भी टेस्टिंग करने वाले हैं आज की वीडियो में। उसके बाद में हमारे पास है मोरी का मैजिक पॉट, तो काफी बढ़िया लुक के साथ आता है ये, है फ्लावर पॉट, तो कुछ अलग ही प्रकार का फ्लावर पॉट है इसके ऊपर, यहाँ से जलाना होगा इसको और देखते हैं इसका इफेक्ट कैसा होता है। तो काफी मजा आने वाला है वीडियो में। अभी तो हमने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो कर दीजिए लाइक। तो चलिए अब आगे बताता हूँ, हमारे पास है रत्ना की गंगा जमुना, जो काफी फेमस है, आपको सबको पता ही, आपने पहले भी जलाई होगी। तो आज की वीडियो में भी इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं, काफी बढ़िया है, मजा आने वाला है। उसके बाद में हमारे पास है वनिता की ये अनार, तो आप देख सकते हो फ्लावर कॉर्न इस पे डब्बे पे लिखा हुआ है, और इस पे भी लिखा हुआ फ्लावर कॉर्न, जो काफी बढ़िया है और बड़ा साइज है, इसकी भी टेस्टिंग करने वाले हैं, देखते हैं ये कैसे इफेक्ट करती है। उसके बाद में हमारे पास है ये ईरोविन, यह है वनिता की अनार, दो एक डब्बे में 2 पीस आते हैं, और ग्रीन और वहाँ पे पिंक, तो ग्रीन की टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं ये कैसी जलती है, इसका इफेक्ट कैसा होता है। उसके बाद में हमारे पास है तोता, तो लक्ष्मी बॉम आते थे वैसे ही आजकल तोता आने लग गए, काफी बड़ा साइज है इसका, आप देख सकते हो इतना बड़ा साइज है, हमने पिछली वीडियो में छोटे तोता चलाए थे, अब बड़े तोता है, इनकी टेस्टिंग करने वाले हैं। उसके बाद में हमारे पास है अजंता के माइट बॉम, जो काफी अमेजिंग लुक के साथ आते हैं, आप देख सकते हो कितना बड़ा साइज है इसका, और काफी सूतली, एकदम टाइट सूतली है, काफी धमाकेदार फटने वाला है मेरे को तो लगता है ये, तो टेस्टिंग में पता चलेगा कैसा फटेगा, तो काफी मजा आने वाला है। तो उसके बाद में आपको मैं दिखा रहा हूँ हमारे पास मरकरी की पिकॉक डांस, जो लिखा हुआ है इसके ऊपर, इसमें से चारों तरफ से जैसे मोर फंक फैलाता है वैसे इसमें से लाइटिंग निकलेगी, देखते हैं कैसा चलने वाला है यार, मैंने भी अभी तक नहीं देखा है, तो जलाने के बाद ही पता चलेगा कैसा चलना है, मुझे लगता है काफी अमेजिंग इफेक्ट आएगा इसका। देखने के लिए वीडियो को पूरा देखना, और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जो भी ट्राई किया गया है पूरी सेफ्टी के साथ किया गया है, कृपया आप ऐसा घर पर ट्राई ना करें। सो गाइस, सबसे पहले हम जलाने वाले हैं मरकरी के पिकॉक डांस शो को, तो देखते हैं कैसा इफेक्ट निकलता है, मोर की तरह लगता है या नहीं लगता, चलिए आग लगा के देखते हैं कैसा चलता है। ओ भाई अमेजिंग यार, काफी बढ़िया इफेक्ट देखने को मिला है यार, हमें तो एकदम जैसे लग रहा था मोर के पंख फैलाए मोर ने, काफी बढ़िया लगा यार ये तो, मेरे को काफी अमेजिंग लगा है। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अच्छा लगे तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने छोटे भाई का चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए हम नेक्स्ट आइटम की टेस्टिंग करते हैं। सो गाइस, अब बारी है श्री कृष्णा की लड़ी की, काफी बड़ा साइज है लड़ी का, तो लगा के देखते हैं इसमें आग ये कैसे जलती है, एक लड़ी में 100 क्रैकर्स आते हैं, देखते हैं 100 क्रैकर्स पूरे जलते हैं और कैसे साउंड निकालते हैं, तो चलिए आग लगाते हैं। तो भाई काफी धमाकेदार लड़ी थी यार, कम से कम बुलेट बुलेट क्या नहीं, बुलेट नहीं, सीमेंट बम के बराबर साउंड था यार, काफी धमाकेदार साउंड था।
चारों तरफ कचरा हो चुका है, आप देख सकते हो यार। काफ़ी अमेजिंग लड़ी थी, काफ़ी बढ़िया लगी मुझे। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो कर दीजिए लाइक। तो चलिए अब नेक्स्ट आइटम की टेस्टिंग करते हैं। सो गाइस, अब बारी है अजंता के माइट बॉम्ब की, जो है सूतली बॉम्ब। काफ़ी बढ़िया साइज है, लगा के देखते हैं इसमें आगे कैसा जलता है। अब बारी है इन आलू बम्स की, कुछ इस पैकिंग के साथ आते हैं, काफ़ी अमेजिंग पैकिंग के साथ है। आप देख सकते हो छोटी सी डब्बी के अंदर कुछ पीस आते हैं, अंदर ये बारूद सा भरा हुआ है, जो बारूद नहीं है इसे बोलते हैं बुरादा, जो मिट्टी की है लकड़ी का बुरादा आता है वो, और छोटे छोटे पीस है, तो काफ़ी दिखने में काफ़ी बढ़िया है। तो फोड़ के दिखाता हूँ आपको, फेंकने से फटेंगे ये ऐसे, ये आप देख सकते हो काफ़ी अमेजिंग जलते हैं ये, और बच्चों के लिए काफ़ी बढ़िया आइटम है ये, मतलब बच्चों के इनसे कोई भी नुकसान नहीं होता है। एक और खोलता हूँ, ये देख सकते हो आप, काफ़ी बढ़िया आइटम है यार, मतलब बच्चों के लिए काफ़ी ठीक ठाक आइटम है, कोई भी नुकसान नहीं होता है, तो आपको ज़रूर लेना चाहिए बच्चों के लिए। मेरे को तो काफ़ी बढ़िया लगा है, एक डब्बी शायद 11 या 12 रुपए की आनी चाहिए ये। तो चलिए अब नेक्स्ट आइटम की टेस्टिंग करते हैं। सो गाइस, अब बारी है मोरी के मैजिक पॉट्स की, तो देखते हैं ये कैसा जलता है और कैसा इफेक्ट इसमें से निकलता है। ये एक तरह का अनार ही है, तो देखते हैं इसको आग लगा के कैसा जलता है। तो भाई काफ़ी बढ़िया इफेक्ट देखने को मिल रहा है यार, काफ़ी बढ़िया है ये मोरी का अनार, काफ़ी बढ़िया लगा है मेरे को तो। सो गाइस, अब बारी है वनीता के एरो वन अनार की, तो लगा के देखते हैं इसमें आग ये कैसा जलता है। ग्रीन कलर है इसका, देखते हैं कैसा इफेक्ट निकलता है। भाई तो यार काफी अमेजिंग था ये वनीता का एरो विन, मुझे तो काफी बढ़िया लगा है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर आना। चलिए हम नेक्स्ट आइटम की टेस्टिंग करते हैं। सो गाइस, अब बारी है वनीता के फ्लावर कॉर्न की, ये भी एक तरह का अनार है, तो लगा के देखते हैं इसमें आगे इसमें कैसा इफेक्ट निकलता है। काफी बढ़िया हाइट पकड़ी यार अनार ने, और काफी ठीक ठाक जला है यार, मेरे को तो काफी ठीक ठाक लगा है ये वनीता का फ्लावर कॉर्न। तो चलिए हम नेक्स्ट आइटम की टेस्टिंग करते हैं। तो गाइस, अब बारी है रत्ना के गंगा जमुना की, तो पहले इसमें से अनार निकलेगी फिर ये फटेगी, तो लगाते हैं इसमें आग, देखते हैं ये कैसे जलती है। तो भाई काफी बढ़िया इफेक्ट निकला यार अनार का, फिर फटी है, काफ़ी मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगी है ये गंगा जमुना की रत्ना की। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए हम नेक्स्ट आइटम की टेस्टिंग करते हैं। सो गाइस, अब बारी है तोता के बम की, कुछ इस प्रकार का बम आता है, ऊपर आता है फ्यूज, लड़ी बम की तरह आता है लेकिन ये बड़ा साइज आता है, तो लगा के देखते हैं इसमें आग ये कैसा जलता है। ओ भाई काफ़ी अमेजिंग साउंड था यार, लाउडली साउंड था इसका, एक सेकंड में फटा है, काफ़ी बढ़िया जला है यार। सो गाइस, अब बारी है मुर्गा के ऑटोमेटिक रॉकेट की, ये 7 शॉट है, ऑटोमेटिक रॉकेट इसका नाम है, तो लगा के देखते हैं आग और देखते हैं ये कैसा जलता है। अब बारी है बैडविल की चिटपिट की, लगा के देखते हैं इसमें आग ये कैसे जलती है। सो गाइस, काफी ठीक ठाक जली है ये बैडविल की चिटपिट। सो गाइस, अब बारी है वनीता के गोल्डी की, तो देखते हैं ये कैसा जलता है और कैसा इफेक्ट अपन को देखने को मिलता है, तो चलिए आग लगा के देखते हैं।
ओ भाई काफ़ी बढ़िया इफेक्ट देखने को मिला है, गोल्डन कलर का इफेक्ट था। ये है गोल्डी, इसका नाम भी गोल्डी और इफेक्ट भी गोल्डी, काफ़ी अमेजिंग लगा मेरे को। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए अब मिलते हैं आपको एक और ऐसी नई वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए यार, बहुत मेहनत लगती है हमें वीडियो बनाने में। और आपने अभी तक पार्ट वन पार्ट टू नहीं देखा है तो लिंक मैंने नीचे दे रखी है, और स्टैच भी देखना है तो स्टैच की भी नीचे लिंक मैंने दे रखी है। और आगे भी बहुत काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्रैकर्स आने वाले हैं, स्टैच आने वाला है, टेस्टिंग आने वाली है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बेल आइकन उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक और ऐसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।